गांधरवल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकार के फैसले से आक्रोश। सरकार के फैसले के बाद भले ही हर जिले या फिर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन सरकार पर लगे आरोपों की कोई कमी नहीं है। इसी को जारी रखते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज गांधरवल में सैकड़ों की तादाद में विरोध किया और एबीडी न्यूज के संवाददाता से बात करते हुए कहा कि सरकार ने इस समय हम पर घोर क्रूरता की है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हमें बर्खास्त करने का फैसला वापस लिया जाए, जबकि हमें 2 साल से जो वेतन नहीं मिला है उसका भुगतान किया जाए। जिसके बाद उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया। देखें पूरी खबर विस्तार से। एबीडी न्यूज के लिए संवाददाता एहसान यूसुफ की रिपोर्ट। इसीलिए जमा हो गए कि गवर्नर साहब ने, एलजी साहब ने और फारूख साहब ने हमारी जो आंगनबाड़ी सीढ़ी जो सुपरवाइजर उसके हेल्पर उसको ये निकाला उनको। हमने आज उनके लिए भी प्रोटेस्ट किया और अपने लिए भी, क्योंकि हमारी इस वक्त तनख्वाह कलील है और इन्होंने हमें आज निकाला कि आप कोविड ड्यूटी दे। अभी तो ऑर्डर नहीं निकाला कि हमने सुना कि उन्होंने बोला कि आप कोविड ड्यूटी देना सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे, मगर हम ये देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने इसे पहले भी कोविड ड्यूटी 2018, 2019, 2020 में हमने दे दी, मगर हमें उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला और हमें कोई किट बॉक्स भी नहीं मिला है, जिसकी वजह से बटवारा प्रोजेक्ट में एक लड़की वो सर्वे करके करके उसकी डेथ हो गई, इन्फेक्शन हो गया, पता नहीं किस घर में इन्फेक्शन था, वहाँ उसकी डेथ हो गई, फिर 2 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई, अभी तक उसका कोई मुआवजा भी नहीं दिया। इसीलिए हम एलजी साहब से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि आप हमारी इस, हम भी आपकी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बहने हैं और माएं भी कर इसमें, आप ये समझो कि ये किस तरह ये निकलते हैं घर से, मगर इनको कोई मुआवजा नहीं मिलता है। आप उसकी वजह से हम कहते हैं अपने गवर्नर साहब से, हम इंतजार करते हैं उसे कि आप हमारे ऊपर नजरसानी डाल, क्योंकि हम भी आपकी लड़कियां हैं, हम आपकी बहनें भी हैं और आपकी माएँ भी हैं। आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहा है वो बेटी पढ़ाओ, ये नहरा बंद करो। अगर आपको ये नहरा देना है फिर आप अपने इन पर नजरसानी आती है इस वक्त कि हमारी पे बहुत कलील है, 4,000 रुपये हम लेते हैं। अगर देख लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेलंगाना हरियाणा वो भी हमारे ऐसे ही काम करते हैं और हम भी वही काम करते हैं, उनको 12,000, 15,000, 20,000 हमें 4,000 रुपये मिलते हैं। हम उसको कहते हैं कि हम मेहरबानी करके हमारे ऊपर नजरसानी डालो, हमें भी कुछ करो, हमें भी हमारी सैलरी पर कुछ ये डालो, हमें भी ये तनख्वाह में कुछ इजाफा करो ताकि हम भी अपना काम कर सके और हमारे बाल बच्चे भी पढ़ सके, हमारे बाल बच्चे भी गरीब पड़े हैं। मेहरबानी करके हम फारूख साहब से इंतजार करते हैं। आप देखिए हमारे हेल्पर की तरह वो किस तरह रोती है, हमें पता है गवर्नमेंट कहाँ से कहाँ पहुँचती है। हम मेहरबानी करके उसे पुरजोर अपील करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर नजरसानी डालो, हमें भी पे 4,000 रुपये में क्या आता है। आज देखो आज किन हालात में हम किस मुश्किल में सामना कर रहे हैं इस वक्त। چناب لانا بس آنگنواڑی گاندربل آنگنواڑی پورے مطالبہ اہس تنخواہ واقعہ کم کم تیتہ زیادہ تمہ سات آنگنواڑی کور کووڈ ڈیوٹی سات آنگنواڑی کور سہن بی ایل او سات آ